सोचो अगर आप किसी फाइल को बनाते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं या कोई एक्सेल शीट में काम करते हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल में आप हार्ड वर्क करके एक फाइल को तैयार करते हैं या आप कोई भी ऐसी फाइल बाहर से परचेज करते हैं या कोई एक्सेल शीट में काम करवाते हैं बाहर से और वो एक्सेल शीट आपको रिसीव होती है और सोचो अगर वो आपके सिस्टम से डिलीट हो जाए गलती से तो आप क्या करेंगे। अगर आपको पता होगा डेटा रिकवरी के बारे में तो आप उसको आसानी से रिकवर कर सकते हैं फाइल को। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आप इजीली सीख सकते हैं और ये वीडियो में हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी क्लासेस में और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डेटा रिकवरी के बारे में। सबसे पहले हमें वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना सीखना है कि सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कर सकते हैं गूगल क्रोम में से और ये देखिए एक इसकी अपनी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकें। ये वंडरशेयर का रिकवरेट है और इसमें फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन में आप 100 MB तक का डेटा रिकवर कर सकते हैं और अगर इससे ज़्यादा आपका डेटा है तो आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। उसके बाद फ्री डाउनलोड, ये ऑप्शन इसका फ्री डाउनलोड और ये सभी विंडो के लिए लगभग अवेलेबल है। विंडो 10 के लिए अवेलेबल है, विंडो 8 के लिए भी अवेलेबल है, 7 विस्टा और XP इन सब के लिए और अवेलेबल फॉर मैक के लिए भी अवेलेबल है ये। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिलीटेड फाइल रिकवरी, SD कार्ड को भी आप रिकवर कर सकते हैं। सिर्फ आप कंप्यूटर की फाइल ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल ड्राइव जो होते हैं, आपके फ़ोन में से कोई डेटा डिलीट हो गया है तो आप उसको USB से कनेक्ट करके मोबाइल फ़ोन को उसका डेटा रिकवर कर सकते हैं। आपके SD कार्ड में से, मेमोरी कार्ड से कोई डेटा गायब हो गया है या आपके पेन ड्राइव में से कोई डेटा गायब हो गया है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में इजीली बताऊंगा कि हम डेटा रिकवर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के लिए हम इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमने ये क्लिक करा। और ये कुछ इस प्रकार का डाउनलोड का आपके पास पॉपअप खुल जाएगा और इसको हम स्टार्ट डाउनलोड कर देंगे और ये डाउनलोड हो गया है तो ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उस फोल्डर में हमें लेकर जाएगा जहाँ पे हमारा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके आया है। और ये सॉफ्टवेयर हमारा है, इसको हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। पहले इंस्टॉल ये नॉर्मल सब की तरह ही होता है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल करते हैं वैसे हमें इसको भी इंस्टॉल करना है। काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर है और काफ़ी ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैंने खुद इसको यूज़ करके देखा है। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जिसमें से कि आपका कोई पेन ड्राइव वगैरह फॉर्मेट हो जाता है तो आप पेन ड्राइव को इजीली कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसकी फाइल को रिकवर कर सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन से कोई डेटा गायब हो गया तो मोबाइल फ़ोन को ईज़िली आप इससे कनेक्ट करके अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। या कोई कंप्यूटर के अंदर ही आप काम कर रहे हो और गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाती है और वो रिसाइकल बिन में भी नहीं रहती है, क्योंकि आप डिलीट करते हैं कंप्यूटर से कोई भी फाइल को तो पहले वो रिसाइकल बिन में जाती है, आपको वहाँ से आप हटाते हो तो परमानेंट डिलीट होती है। तो आपकी रिसाइकल बिन से भी आप हटा दोगे यानी कि आप परमानेंट उसको डिलीट कर दोगे तब भी आपकी फ़ाइल को आप रिकवर कर सकते हैं। और रिकवर के लिए कुछ आपको सॉफ्टवेयर में भी कुछ दिख रहा होगा, जैसे कि आप ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सॉफ्टवेयर तो ये अपने अपने जो इसके अंदर फीचर्स हैं वो सारे के सारे एक्सप्लेन अपने आप में ये कर रहा है कि किस किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी फाइल्स को हम इसको रिकवर कर सकते हैं, कौन कौन सा डेटा रिकवर कर सकते हैं, वीडियो फाइल, इमेजेस आपकी और कोई भी सॉन्ग है या आपकी कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग है या कोई आपके रिकॉर्डेड वीडियो हैं। क्योंकि नॉर्मली जनरली वैसे वीडियो होते हैं जो सॉन्ग वगैरह होते हैं वो तो आप इंटरनेट से दोबारा भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं जो कि आपसे डिलीट हो जाती हैं गलती से तो वो हम इस वीडियो में समझेंगे उसके बारे में। ये देखिए हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो गया और ये अब ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि स्टार्ट नाउ, तो हम इस पर सारी विंडोज़ को मिनिमाइज़ कर देंगे जो भी टैब खोल रखे हैं हमने और हम इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और ये देखेंगे कि लास्ट हमने कौन सी, ये आपको नेटवर्क पे लेके चला जाएगा। यहाँ से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ऑन हो रहा है और अब हम देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने कौन कौन सी फाइल्स डिलीट करी हैं और किस तरीके से ये फाइंड करता है फाइल्स को। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आया, रिसाइकल बिन से रिकवरी करनी है आपको, फॉर्मेट डिस्क से रिकवरी करनी है, लॉस्ट पार्टीशन से रिकवरी करनी है। पार्टीशन के बारे में आप हमारे इससे पहले वाले वीडियोस में समझ चुके हैं
और एक्सटर्नल ड्राइव को करनी है और डिलीटेड फाइल रिकवरी करनी है, तो हम ऑल राउंड रिकवरी पे भी क्लिक कर सकते हो। हम डिलीटेड फाइल्स पे रिकवरी करते हैं और देखेंगे कि वो आपकी फाइल्स कहाँ से डिलीट हुई। मैं सी ड्राइव को कर लेता हूँ क्योंकि जो आपकी विंडो होती है सी ड्राइव में इंस्टॉल होती है, और आप इसको देन क्लिक करेंगे तो उसके अंदर का जो भी फाइल्स होंगी तो वो आपको अभी दिखेंगी कि कौन सी फाइल है, उनका डेटा कितना है, साइज़ क्या है। और ऑल डेटा की जगह अगर हम रिसेंटली वीक पर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि टाइम कम लेगा ये, क्योंकि ओल्ड डेटा तो इसके अंदर बहुत सारा डिलीट हुआ होगा तो वो रिकवर करने में इसको टाइम लग सकता है। देखिए विंडो के अंदर मेरा यूज़र्स में जाऊंगा पहले मैं, और यूज़र्स के अंदर फिर मुझे ये मेरा जहाँ पे आपकी फ़ाइल है आपको पास सेलेक्ट कराना है। मेरी फाइल्स यहीं पे है तो मैं यहीं पे पास सेलेक्ट कराऊंगा, और यहाँ पे ये कुछ फाउंड करेगा फाइलें अभी, और फिर ये हमें बताएगा कि आपने कौन कौन सी फाइल्स को डिलीट करा हुआ है। देखिए डेस्कटॉप के अंदर मैंने लगाया है स्कोर, मैंने विंडो अभी कुछ ही दिन पहले इंस्टॉल करी थी तो डेस्कटॉप पे से कुछ ज़्यादा फाइल्स अनइंस्टॉल नहीं हुई होंगी, और ना ही कोई ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स वगैरह मैंने यहाँ से कुछ डिलीट करे हुए हैं। बस मेरी एक फ़ोटो आ रही है जो कि 70.20 KB का साइज़ है, JPG, और 3/8/2020 को ये डिलीट हुई थी मेरे सिस्टम से। तो ये मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करा, और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो इमेज है इसको हम रिकवर करते हैं अब। और अगर आपका ये फाइल्स हो जाती है तो आप, जैसे कि आपकी कोई फाइल है और अगर वो आपको मिल जाती है तो हम इसको स्टॉप करा देते हैं नॉर्मली यहाँ से। और उसके बाद फिर हम इस पर क्लिक करते हैं, और फिर ये रिकवर, जो इस रिकवर पे हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद ये इस साइड में दिखा रहा है कि फ्री लाइसेंस आपका 100 MB तक है, तो हमारे इससे बहुत छोटा साइज़ फाइल का है, तो हम फिर रिकवर पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद ये आपसे फिर पाथ पूछ रहा है कि आपको इस फाइल को कहाँ पे रखना है अपने कंप्यूटर में, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं एक अलग से ड्राइव में किसी में रख सकूँ। मैं डी ड्राइव में इसको रखता हूँ क्योंकि एक्चुअली डी ड्राइव में पहले हम देख लेते हैं हमारा कोई डेटा तो नहीं है, और डी ड्राइव मेरे को लगता है कि पूरी तरीके से, हाँ इसमें एक टैली का मेरा डेटा पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं वो अलग फॉर्मेट में होगा, तो हम डी ड्राइव में इसमें क्लिक करेंगे। और इस फाइल को आप चाहो तो यहाँ से नया फोल्डर भी क्रिएट करा सकते हैं, मैं लिख देता हूँ उस पर डेटा रिकवर, और नया फोल्डर बनाने के बाद हम फिर रिकवर पर क्लिक करेंगे, और ये फाइल आपकी रिकवर होने लग गई है। और देखिए रिकवर के बाद आपको पूरी डिटेल के साथ उसमें फ़ोल्डर बना दिख जाएगा, मैं आपको और डिटेल में दिखा देता हूँ। ये फ़ाइल आपकी रिकवर हो गई है, और यहाँ से आप माई कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद फिर आप डी ड्राइव के अंदर जाएंगे और डी ड्राइव को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद ये देखिए डेटा रिकवर का आपका ऑप्शन है, इसको फिर आप ओपन करेंगे, जो फोल्डर हमने वहाँ बनाया था रिकवर 8 और आपकी डेट एंड टाइम के साथ आपका जो डेटा है वो इसके अंदर आ गया है। और इस फोल्डर को हम थोड़ा और ओपन कर लेते हैं, और फिर ये डेटा काफ़ी अंदर चला गया है हमारा जिस तरीके से हमने फोल्डर्स इसमें क्रिएट करे हैं। और ये देखिए ये मेरी एक पिक है जिसको मैंने कुछ दिन पहले डिलीट किया हुआ था, तो वो पिक मैंने रिकवर करी है और वो अभी ओपन हो जाएगी, मैंने ओपन भी इसको करा दिया है। ऐसे ही बड़ा देख लेते हैं हम, ये देखिए दोस्तों मेरी ये फाइल आ गई है, और इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। और ओपन करके कुछ इस प्रकार की हमारी फ़ाइल ओपन हो रही है और आपको दिख जाएगी। और गाइस इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।